और एहतसाब अदालत कराची ने आमदन से जायद असासजात रेफरेंस में मफरूर मुलजिमों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मफरूर मुलजिमान के शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करके तफ्तीशी को आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत कर दी। एहतसाब अदालत कराची में आमदन से जायद असासजात रेफरेंस की समाअत हुई। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और दीगर मुलजमान को एहतसाब अदालत कराची में पेश किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस ने पीपल्स पार्टी के जियालों को अदालत के अंदर जाने से रोक दिया। अदालत ने मफरूर मुलजमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मफरूर मुलजमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का भी हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि तफ्तीशी अफसर आइंदा समात पर मफरूर मुलजमान से मुतालिक रिपोर्ट दें। अदालत ने मुकदमे की समात 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे, नैब ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को 20 फरवरी को इस्लामाबाद के होटल से हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस दायर किया। दायर रेफरेंस में आगा सिराज समेत 20 मुलजमान को नामजद किया गया। मुलजमान पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम है। यार, इतने गांव से बेचारे आते हैं सारी रात बसों में, उधर मिलने आते हैं 5 मिनट के लिए, उनको रोका जाता है, हमेशा उनको तंग किया जाता है और फजूल हरकतें यहाँ पर।